लास्ट डे हमने कहाँ तक किया था? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कर रहे थे। ये भी मुझे ही बताना पड़ता है ना, आप लोगों तो अवेयर है नहीं। क्या छोड़ो, नहीं करोगे तो अपने लिए नहीं करोगे, मैं तो सिर्फ करवा ही सकती हूँ। ठीक है, चलिए आज जो है आप ड्राफ्टिंग कमेटी देखते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत सी जो है कमेटीज हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कमेटीज थी, जिनमें से सबसे ज्यादा जो है ड्राफ्टिंग कमेटी है। उसके बाद देखते हैं हम कि कौन कौन सी कमेटी थी। फिलहाल हम जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या थी। ठीक है, सेटअप कब की गई थी ये ड्राफ्टिंग कमेटी? इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहेंगे इसको प्रारूप या मसौदा समिति। अब इसको सेटअप कब किया गया था? इसको सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 1947 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था कि क्यों ये जो है सेटअप की गई, इसके पीछे क्या कारण था या क्या उद्देश्य थे इस कमेटी के, इनको क्या करना होता था? तो इनको प्रिपेयर करना था आपका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जैसे मान लो कि आपने जो है एक नया घर बनाना है, तो आप उसके लिए पहले क्या करवाते हैं, उसके लिए आप पहले जो है ड्राफ्ट बनवाते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो है आपका जब संविधान बनने लगा, तो उसके लिए जो है क्या होने लगा कि उसके लिए जो भी आपकी कमेटीज बनाएगी, छोटी छोटी कमेटीज बनाएगी। ठीक है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, अब ऐसा तो नहीं था कि सभी जो है एक ही टॉपिक को लेकर के डिस्कस करते, नहीं, ऐसे क्या किया इन्होंने, ऐसे छोटी छोटी कमेटीज बना दी और सभी को जो है काम दे दिए। किसी को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड ड्राफ्ट बनाने के लिए दे दिया गया, किसी को जो है फाइनेंस वाला दे दिया, किसी को यूनियन पावर कमेटी बनाएगी जिसमें यह यूनियन से रिलेटेड जो है आपको पावर्स प्रोवाइड करवाएगी, किसी को प्रोविंसल से रिलेटेड करवाएगी। ठीक है, इस तरह से छोटी छोटी कमेटीज बना दी ताकि वो जो है, जैसे होता है ना कि आपके ग्रुप में मान लो कि कोई आपका एनुअल फंक्शन है क्लास का, स्कूल सॉरी स्कूल का। ठीक है, जब एनुअल फंक्शन होता है तो क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, कि ये ग्रुप जो है कैटरिंग का काम करेगा, ये ग्रुप जो है ये काम करेगा, बैचेस बनाएगा, और कुछ ग्रुप जो है वो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है एक्टिविटीज उनको प्रोवाइड करवा दी जाती है। सेम इसी तरह से इसमें भी क्या किया गया, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए गए जिनको कमेटीज का नाम दिया गया, और उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्क जो है वो उनको दिया गया। तो ये जो है एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी इनमें से, इन ग्रुप में से, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो 29 अगस्त 1947 को एस्टेब्लिश की गई। और इसका जो काम था वो क्या था कि नए संविधान के लिए कि किस तरह का रहेगा, क्या क्या उसमें चीजें होंगी, उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करना था। और इसके जो मेन जो है, अगर हम कहें कि चेयरमैन जो थे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, चेयरमैन को हिंदी में अध्यक्ष कहते हैं, वो कौन थे? तो वी आर अंबेडकर। ठीक है, बी आर अंबेडकर को जो है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया। इनके साथ सात सदस्य और थे, 7 मेंबर और थे। वो मेंबर कौन कौन थे वो जो है आप एक बार गूगल करके देख लेना, जिसमें जो है जैसे गोपाला स्वामी अय्यर थे, ठीक है, डॉक्टर के एम मुंशी थे, मोहम्मद सदाउल्ला जो है वो थे। ठीक है, तो इस तरह से और भी थे, तो आप उनको एक बार जो है गूगल करके देख लेना, क्योंकि बेफालतू में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम जो है मेन जो है उसमें आते हैं कॉन्सेप्ट में। ठीक है, इन नाम को एक बार जो है गूगल जरूर करना और उनको लिख लेना कि 7 जो मेंबर हैं उनके क्या क्या नाम थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें 7 मेंबर थे, और जिनमें से चेयरमैन कौन थे, आपके बी आर अम्बेडकर थे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फाइनली अगर हम कहें कि जो आपका ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी कब अडॉप्ट की गई, ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जो ड्राफ्ट बनाया गया वो कब अडॉप्ट किया गया, तो वो किया गया था फाइनल ड्राफ्ट 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949
1949 को जो है ये ड्राफ्ट जो था उसको अडॉप्ट जो है वो किया गया. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है. और इसी दिन जो है इस ड्राफ्ट पर जो है 284 मेंबर्स ने जो है इसमें साइन किए थे. ठीक है, कितने मेंबर्स ने? 284 मेंबर्स ने इसमें साइन किए थे. क्लियर है यहां तक सभी को? इन्हीं में से ना बहुत से क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में आपको, ठीक है. इसी एग्जाम में नहीं बल्कि हिमाचल के जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, चाहे वो फिर कोई सा भी आपका हो, जैसे क्लरिकल हो गया या जेओए का है किसी का, किसी के एसआई के हैं, ठीक है, किसी का जो है टेट के हैं, किसी का कुछ और है, टीजीटी वगैरह भी है, उनमें जो है ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं. इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसी टाइप का सिलेबस है आपका, ठीक है. जीएस जो है वो सभी में सेम ही रहता है. अच्छा, इसके बाद है, जो आपका ये संविधान तैयार किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था, वो कौन सी लैंग्वेज में तैयार किया गया था? तो उसके लिए लैंग्वेज जो थी आपकी वो क्या थी? इंग्लिश थी, ठीक है, इंग्लिश में तैयार किया गया था. दूसरा कि कुछ जब आपका 26 नवंबर की अगर हम बात करते हैं, 1949 की अगर हम बात करें, तो कुछ चीजें जो है उसी टाइम जो है लागू कर दी गई थी. कौन कौन सी? जैसे सिटीजनशिप हो गया आपका, यानी कि नागरिकता हो गई आपकी, ठीक है. उसके बाद इलेक्शन से रिलेटेड, प्रोविंशियल पार्लियामेंट एक्सेट्रा, तो ये जो है ये उसी टाइम जो है अपना ली गई थी. तीन चार चीजें जो है वो उसी टाइम आ गई थी. लेकिन आपका जो संविधान है उसको कब लागू किया गया? कब किया गया बताओ? बनकर तो तैयार हो गया था ना इस तारीख को, लेकिन लागू कब किया गया? दो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, दोनों में कंफ्यूजन रहती है. बनकर तैयार कब हुआ और लागू कब हुआ बताओ? जो पहले वाले 1950 में तो हुआ अक्षित, लेकिन डेट पूछ रही हूँ मैं. छब्बीस जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को जो है लागू किया गया. अब अच्छा ये तो ठीक है कि लागू किया गया, लेकिन 26 जनवरी को ही क्यों किया गया? क्योंकि उस हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है. ये पता नहीं पेन को क्या दिक्कत होगी, है शायद कोई ऑप्शन ऑन हो गई होगी. 26 जनवरी के क्या है? हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, उस दिन क्या हुआ था, ऐतिहासिक महत्व है इस तारीख का, 26 जनवरी का. उस दिन जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, डिमांड की गई थी पूर्ण स्वराज, ठीक है. मतलब यानी कि पूर्ण स्वराज का मतलब है पूरी तरह से आजादी. पूरी तरह से आजादी की जो है इस दिन डिमांड की गई थी. तो फिर उसके बाद जो है जब आपका संविधान लागू किया गया तो वो कब किया गया था? 26 को ही किया गया था, ठीक है, जनवरी को. कब की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग? 1930 में, 1930 में. चलिए, तो अब जो है आपको पता चल गया कि अडॉप्ट जो है वो कब किया गया, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1950 को. अब नेक्स्ट आता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें जो है आपकी रहेंगी, ठीक है, क्या क्या इसमें प्रोविजन, क्या क्या चीजें जो है इसमें
थी, किस तरह का ड्राफ्ट बनाया गया था, क्या क्या रखा गया था। तो सबसे पहले प्रियम्बल यानी कि आपकी प्रस्तावना, कहा कि इसमें प्रस्तावना होगी, प्रियम्बल होगी। प्रियम्बल जो है वो एक तरह का, अगर हम कहें तो, किसी इंट्रोडक्शन टाइप है कि आपके संविधान के बीच में क्या क्या है, वो सब चीजें जो है इसी में बता दी गई हैं। एक जब आप देखा होगा आपने कि जब भी आप कुछ करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। आप इंट्रोडक्शन में बता देते हैं, झलक दिखा देते हैं कि आने वाले क्वेश्चंस के बीच में आप जो है, जो आपका टॉपिक है उसमें आप क्या क्या करने वाले हैं। उसी तरह से जो है संविधान की जो इंट्रोडक्शन है वो किसमें है, आपकी प्रियम्बल में है, प्रस्तावना में। फिर इसमें पार्ट्स की बात की गई, उस टाइम जो पार्ट्स की बात करें, भाग जो रखे गए संविधान में वो 22 भाग रखे गए, और नाउ अगर अभी की बात करें तो 25 भाग है, ठीक है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो है उस टाइम की बात की गई, 395 आर्टिकल थे उस टाइम, और अभी जो है 741 है इस टाइम, ठीक है। इसके बाद शेड्यूल्स की अगर हम बात करें, शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम 8 थे, अब जो है 12 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सब जो है इसमें आपके इसमें लिया गया कि ये सब चीजें रहेंगी, और फुली अफेक्टिव कब हुआ आपका कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हुआ आपका 1950 में, 26 जनवरी 1950 को जो है फुल इफेक्टिव हुआ है। इसके लिए टोटल सेशन कितने किए गए थे, टोटल सेशन जो थे हमारे वो 11 थे, ठीक है। और टाइम सभी को पता है, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज थे। यहां तक क्लियर है सभी को? बताओगे जल्दी क्या है ये, इतनी देर में तो मैंने। सोच सोच के लिख रहे हो क्या? चलिए, लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, अगर संविधानिक सभा की हम अंतिम बैठक की अगर बात करें तो कब हुई थी वो, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को जो है वो अंतिम बैठक हुई थी इनकी। और इसी दिन की अगर हम बात करें तो इसी दिन आपका नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम यानी कि जनगण मन, और साथ में आपका वंदे मातरम जो है वो इसी दिन जो है अपनाया गया या गाया गया, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के, मैंने अभी बता दिया। और इसी दिन जो है, इन दिस डेज या इन दिस मीटिंग, जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद है कि अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग, कि नेशनल फ्लैग जो है आपका, जो राष्ट्रीय झंडा है उसको कब जो है अपनाया गया, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो वो था आपका 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, जो बहुत ही कम बुक्स में आपको मिलता है, कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, जो आपकी संविधानिक सभा थी, उसका सिंबल जो है वो कौन सा अडॉप्ट किया गया था, उसमें जो सिंबल है वो कौन सा था, तो वो सिंबल जो है वो एलिफेंट का था, ठीक है। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है,
एलिफेंट का सिंबल जो है उसमें अडॉप्ट किया गया था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है यहां तक सभी को? कि हमारा संविधान कैसे बना, कौन कौन से थे, क्या क्या थे उसमें, ठीक है, कितने मेंबर थे, कब इसको अडॉप्ट किया गया, कब इंप्लीमेंट किया गया। अडॉप्ट जो है 26 नवंबर 1949 को और इंप्लीमेंट जो है 26 जनवरी 1950 को। दो वर्ड याद रखने हैं, एक अडॉप्टेड और एक इंप्लीमेंटेड, ठीक है। इन दोनों वर्ड में जो है थोड़ा ध्यान देना है, एग्जाम में हमेशा यही क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज करता है। एक है इंप्लीमेंट इंप्लीमेंटेड और एक है अडॉप्टेड। अडॉप्टेड जो है वो 26 नवंबर 1949 है और इंप्लीमेंटेड जो है 26 जनवरी 1950 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसमें जो है थोड़ा सा हम जो है प्रीएम्बल के बारे में देख लेते हैं। कल से हम सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट पे आएंगे और उसके बाद जो है हम स्टेट गवर्नमेंट करेंगे और उसके बाद फंडामेंटल राइट करेंगे, अभी बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम फंडामेंटल राइट करेंगे, फंडामेंटल राइट करने के बाद जो है हम जो भी अदर टॉपिक बचेंगे उनको कंप्लीट करेंगे, जो आपकी एग्जाम से के लिए जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा प्रीएम्बल के बारे में देख लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो अगर नया टॉपिक शुरू करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा जो है हम प्रीएम्बल ही देख लेते हैं कि प्रीएम्बल जो है वो क्या होती है। कई बार आ जाता है कि संविधान में जो है संविधान की प्रीएम्बल में कौन सी डेट मेंशन की गई है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, कौन सी डेट जो है वो मेंशन की गई है, तो वो है आपकी 26 नवंबर 1949। बिल्कुल सिंपल टाइप में क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। 26 नवंबर 1949 जो है वो आपकी जब आपका अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, जब आपका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया था, वही डेट जो है आज भी आपकी प्रियम्बल में जो है वो मेंशन की गई है। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, मैंने कहा जो आपने देखना एनसीईआरटी की आपकी जो बुक होती है उसके फर्स्ट पेज पे ही जो है लिखी होती है, वही आपकी प्रियम्बल है। इसी को जो है हम आइडियल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, तो वो क्या है आपकी, वो प्रियम्बल है। प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा इसमें कुछ टर्म्स दी गई हैं उन पे बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। यहाँ पे पूरी प्रीएम्बल तो नहीं लिखने वाली हूँ मैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है उसमें बात की गई है उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजों की बात की गई है। सबसे पहले उन्होंने बात की है सॉबरन, इसमें टर्म आती है जब भी आप जो है देखेंगे प्रीएम्बल देखेंगे, जैसे ये आपकी क्लास हो जाएगी उसके बाद आप जो है गूगल करके प्रीएम्बल देखते हैं, यानी कि संप्रभुता की बात की गई है। जैसे आपने पढ़ी होगी ना, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुता संपन्न, ठीक है, इस तरह से जो है रहती है ये, तो आप पूरी जो है एक बार देख लेना। याद तो खैर हुई नहीं है अभी तक, मुझे ही नहीं हुई है, तो याद तो क्या ही करनी है आपने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनकी मीनिंग क्या है। सॉवरेन का मतलब है सेल्फ रूल, सिंपल एक एक वर्ड में बताऊंगी आपको मैं, ठीक है, सेल्फ रूल, खुद के नियम, ठीक है, यानी कि फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल रूल्स, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल रूल, कि अपने रूल्स के लिए जो है अपने खुद को खुद के रूल्स के लिए जो है आप फ्री है, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग आकर के आप पे रूल करें, बल्कि आप अपने रूल्स के लिए जो है अपने नियमों के लिए जो है स्वतंत्र हैं, आपके अपने नियम होंगे। तो आपको पता है जब संविधान बनाया गया था तो संविधान बनाने का मकसद कहीं ना कहीं ये भी था, ठीक है, कि दूसरे लोग आकर के आप पे गवर्न ना करें, जिस तरह से पहले जो है स्वतंत्रता से पहले गवर्न किया गया था आपके इंडिया को, उस तरह से दोबारा चीजें ना रहे, इसलिए उन्होंने जो है प्रीएम्बल में ये बात भी की है कि सोवर्नर
स्वर्ण जो है आपका वो होना चाहिए, यानी कि संप्रभुता होनी चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड बात की गई है सोशलिस्ट की, सोशलिस्ट की यानी कि समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। उसके बाद है सेक्युलर वर्ड यूज किया गया है उसमें, तो सेक्युलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्षता। तो इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री है, सभी को पता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक धर्म जो है वो बहुत सुप्रीम है, बल्कि क्या है, इंडिया हैज नो रिलीजन, ठीक है। इंडिया का जो है अपना कोई भी किसी भी तरह का जो है रिलीजन नहीं है, यहाँ पे सभी धर्मों को जो है समान, सभी धर्मों को जो है एक जैसी मान्यता प्रदान की जाती है, सभी धर्मों की जो है रिस्पेक्ट की जाती है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इसके बाद फोर्थ टर्म यहाँ पे यूज की गई है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, गणतंत्र, ठीक है। मतलब यानी कि पहले क्या हुआ करता था, राजा वगैरह वाला सिस्टम चलते थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि अब इस तरह से नहीं होगा, मोनार्की टाइप जो है वो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट जो हमारा रहेगा, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो कैसे होगा, इलेक्टेड बाय इलेक्टेड, मतलब उसके लिए जो है चुनाव होंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, मोनार्की टाइप सिस्टम होता था, राजा से राजा, राजा का बेटा आगे फिर राजा, लेकिन अब जो है वो इस तरह से नहीं होगा। री और पब्लिक मतलब पब्लिक के द्वारा जो है वो द्वारा से जो है चुने जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको पता है अब इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी की अगर हम जब भी बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, फॉर द बाय द ऑफ द क्या पीपल, ठीक है, फॉर द बाय द ऑफ द पीपल, मतलब यानी कि लोकतंत्र ही क्या है, जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही जो है वो चुना जाते हैं, जिसमें आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज की बात की गई है, रिपब्लिक की बात की गई है कि इंडिया कैसा होगा, एक रिपब्लिक कंट्री होगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को, यहाँ तक क्लियर हुआ जो बताया, ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनिटी की बात की गई है, यूनिटी टर्म जो है वो की गई है, यूनिटी मतलब एकता, ठीक है, यानी कि भारत के साथ होना, भारत के साथ होना, क्या मतलब है इसका यूनिटी, ठीक है। अब यूनिटी की अगर हम बात करें, देखो दो वर्ड है, एक है यूनिटी और है एक है इंटीग्रिटी, ठीक है, एक है यूनिटी और है एक है इंटीग्रिटी। यूनिटी का मतलब है एकता और इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता, ठीक है। भारत के साथ होना इसका मतलब ही भारत के साथ होना है, और इंटीग्रिटी का मतलब भी भारत के साथ होना ही है। अब देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है कि मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो मैच हो रहा है, मैच तो चल रहा है, आप जो है भारत का नागरिक तो है, लेकिन आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं, पाकिस्तान को, ठीक है। आप इंडिया, कई बार होता है ना, या तो मान लो कि अच्छा आप पाकिस्तान के हैं, है ना, ये मान लेते हैं ना, आप पाकिस्तान के हैं, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, बात एक ही है, ठीक है, कि आप सपोर्ट कर रहे हैं किसको, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि आप सिटीजन है पाकिस्तान के, तो इसमें इंटीग्रिटी है आप में या फिर यूनिटी है। देखो यूनिटी में क्या हुआ, यूनिटी में हुआ वनलेस, वनेस, यानी कि आप
सिटीजन जो है वो पाकिस्तान के थे, ठीक है, तो मतलब यूनिटी आपकी क्या थी, आप पाकिस्तान के थे, और इंटीग्रिटी जो थी वो क्या थी आपकी, वो इंडिया थी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप नागरिक जो थे वो आप पाकिस्तान के थे, लेकिन आप सपोर्ट किसको कर रहे थे, इंडिया को, मतलब दिल से आप किसके साथ थे, दिल से आप थे इंडिया के साथ। तो जो चीज दिल से है वो है आपकी इंटीग्रिटी, और जो आपको वैसे प्रोवाइड की गई है वो है आपकी यूनिटी। आप समझ आया? इमोशनल जो अटैच है आप, वो आपकी इंटीग्रिटी है, और जो आपको प्रोवाइड करवाई गई है वो आपकी यूनिटी है। क्लियर है सभी को? जो इमोशनली अटैचमेंट है वो इंटीग्रिटी है आपकी, और जो आपको जैसे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो आपको कई जो है ना, कई आपने देखा होगा कि जो पहले इंडिया के थे और अब जो है उनको सिटीजनशिप जो है वो पाकिस्तान की है, ठीक है। लेकिन आज भी अगर बात करें, दिल से जो है वो कहीं ना कहीं भारत से जुड़े हुए हैं, वो सपोर्ट कहीं ना कहीं वो भारत को करते हैं, ठीक है। तो यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है, दो वर्ड जो दिए गए हैं, वो आपको अब समझ आ जाने चाहिए। इसके बाद है फ्रीडम और लिबर्टी, ये दोनों जो है ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फ्रीडम मतलब दोनों का ही आजादी होता है, लेकिन फ्रीडम क्या है और लिबर्टी क्या है, हम ज्यादातर क्या करते हैं, इन दोनों का जो है एक ही मतलब कर देते हैं। फ्रीडम मतलब है आजादी, और लिबर्टी मतलब है आजादी के साथ, आजादी के साथ किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस ना होना, आजादी के साथ किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस ना होना। एग्जाम्पल, मान लो आपको आजादी दी गई है, ठीक है, आपको आजादी जो है वो फ्रीडम तो आपको दी गई है, लेकिन साथ में मोदी जी कहते हैं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि 8 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलेगा। अगर कोई 8 बजे के बाद निकलता है तो वो कोई स्पेशल ड्रेस दी गई है, स्पेशल कोड दिया गया है, वो ही डाल के जो है आप 8 बजे के बाद घर से निकलेंगे। एक तरफ जो है आपको आजादी दी गई है, फ्रीडम दी गई है, साथ में आपको जो है कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि अगर आप शाम के 8 बजे के बाद निकलते हैं तो आपको जो है ये स्पेशल कोड जो है वो प्रोवाइड किया गया, वही चीज डाल के निकलेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं फ्रीडम तो थी आपको, फ्रीडम आपको पता चल गया कि फ्रीडम दी है, लेकिन साथ में क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी। अगर रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है, किसी तरह की जो है रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो वो आपकी लिबर्टी है। चलिए, इसके बाद आती है आपकी फ्रेटर्निटी, नेक्स्ट टर्म है आपकी फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा, ब्रदरहुड, ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रदरहुड। तो इस तरह से जो है ये सब टर्म्स इसमें यूज की गई है। उसके बाद बात की गई कि क्या इसके जो इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, यानी कि क्या इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है, जो भी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, जो जो बताई गई है, क्या इसमें संशोधन हो सकता है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संशोधन का मतलब क्या होता है, या तो इस जो रूल रेगुलेशंस आपके बनाए गए हैं उसमें या तो प्लस करना या उसमें माइनस करना, मतलब या तो आप उसमें से कुछ डिलीट कर देंगे या उसमें कुछ जोड़ देंगे, तो वही आपका अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट का मीनिंग ही यही है कि या तो उसमें कुछ ऐड किया या फिर उसमें से आपने कुछ कट किया जो ठीक नहीं लगा। तो 1973 की अगर हम बात करते हैं, 1973 की अगर हम बात करें 1973 में, तब इन सब विषय पे चर्चा हुई, ठीक है, डिस्कशन की गई। 13 जज जो है इसके लिए डिस्कशन में बैठे कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या अमेंडमेंट हो सकता है आपकी प्रियम्बल में या नहीं हो सकता है। 1973 में जो 13 जज थे, केशवानंद भारती केस आया, स्टेट था केरला, केशवानंद भारती के द्वारा जो है फ्रॉम केरला से जो है ये थे, और इन्होंने जो है इसके रिगार्डिंग जो है केस किया था कि इसमें जो है अमेंडमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो 13 जज ने जो है बैठ के इस पे जो है चर्चा की, आपस में सलाह मशवरा किया, और लास्ट में ये इस पे पहुंचे कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसका मूल ढांचा है, उस पे किसी भी तरह का संशोधन नहीं होगा, ठीक है।
अगर मूल ढांचे को ऑप्शन शोधित जो है वो उसको आप नहीं कर सकते हैं, बाकी अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? ओके तो ये था आज का टॉपिक आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से मैंने पहले ही कहा है 2 या 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाएंगे जो कल और आज का बीच में टॉपिक हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपके अटेट के एग्जाम में ही है, बल्कि अदर एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज का टॉपिक अगर किसी को कोई कुछ समझ ना आया हो, क्लियर है सभी को? ओके और सभी का जो है मैसेज करने का जो टाइम है, ठीक है, वो 3 से 4 रहेगा। 3 से 4 के बीच में आपको कोई भी प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम लिख लो, ठीक है, कि हमें ये पूछना है, वो पूछना है, जो भी पूछना है 3 से 4 के बीच में आप मैसेज कर सकते हैं। पूरा दिन भर मैसेज करके तंग नहीं करना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कभी भी रात को 10 बजे मैसेज कर रहे हैं, कोई 11 बजे मैसेज कर रहा है, इस तरह से मैसेज करके जो है खुद ही समझ लिया करो कि किसी का पर्सनल टाइम भी होता है, पर्सनल लाइफ भी कुछ होती है। आप सभी को अगर मैं रात को 11-12 बजे मैसेज करके पूछना शुरू कर दूं, आपको कैसा लगेगा? ठीक है, तो 3 से 4 बजे के बीच में जो है आप अपने मैसेज कर सकते हैं। 3 से 4 बजे का टाइम जो है वो आपको अब आपकी क्वेरीज का टाइम रहेगा, जो भी आपको पूछना है, ड्राइव से रिलेटेड पूछना है या जो भी आपको पूछना है। अब मैं 3 से 4 बजे से पहले के बीच में आपको किसी को कोई रिप्लाई नहीं देने वाली हूँ। चलिए तो अपनी जो है रिविजन करिए, जो आपको बताया गया है, जो करवाया गया है, उसको अच्छे से तैयारी करिए। ये क्लास जो है थोड़ी देर के बाद अपडेट हो जाएगी, दूसरी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट वाली वो आपकी अपडेट होगी या आपकी ऐप में।